हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द बायजूस एग्जाम प्रेप। और मैं हूं आशीष ओगले और आज मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कॉन्सेप्ट पर बात करने वाला हूं और वो है बायस बैलेट लॉ। सो बिफोर आई स्टार्ट विद इट ऑफ द कॉन्सेप्ट, इससे पहले कि मैं कॉन्सेप्ट पर बात करूं, प्लीज़ काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा, सो बेसिकली मैं अगर बात करूं तो बायस बैलेट लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय वन ऑफ द वेरी ग्रेट स्कॉलर दैट इज CHD बायस बैलेट इन 1857 में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बायस बैलेट लॉ द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ही इंट्रोड्यूस इनटू द विंड सर्कुलेशन सिस्टम ऑन द अर्थ, यानी कि उन्होंने पृथ्वी पर वायु परिसंचरण जो प्रणाली है इसके लिए उनके द्वारा इस नियम को प्रस्तुत किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अगर ये बात की जाती है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बात की। ही वॉज एक्चुअली अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ये एक जलवायु विज्ञानी थे। इनका कहना था कि इफ एक्चुअली अ पर्सन ओके हु इज स्टैंड लाइक द विंड्स कम्स फ्रॉम हिज बैक, देन the winds always actually blow towards his right in the north hemisphere and towards his left into the south hemisphere, and that actually occurs due to the rotation of earth by which a kind of the force developed we call as the Coriolis force। ठीक है, एक बार फिर से हिंदी में बता देता हूँ कि दरअसल इनके द्वारा कहा गया है कि एक व्यक्ति यदि इस प्रकार से खड़ा हो कि पवने उसके पीठ की तरफ से आ रही हो तो उत्तरी गोलार्ध में पवने हमेशा उसके दाई ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवने हमेशा उसके बाई ओर मुड़ जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप एक विशेष प्रकार की दरअसल बल का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं कोरोलियस बल, और इसी कारण से ऐसा होता है। स्पेशली इसे बायस बैलेट ने कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा यानी कि दाई ओर और बाई ओर क्यों मुड़ जाती हैं, व्हाई डज एक्चुअली दे जस्ट टर्न टू द राइट एंड द लेफ्ट। इनका कहना यह था कि बेसिकली द लेफ्ट साइड ऑलवेज हैविंग द हाई प्रेशर बेल्ट एंड द राइट साइड हैज द लो प्रेशर बेल्ट, एंड दैट इज द रीजन द विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में इनका कहना था कि दरअसल पवने हमेशा दरअसल उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। इसका कारण यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यक्ति के बाईं ओर उच्च वायुदाब की पेटी निर्मित हो जाती है और दाईं ओर निम्न वायुदाब की पेटी निर्मित होती है, और बिल्कुल इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में व्यक्ति के दाईं ओर उच्च वायुदाब की पेटी और बाईं ओर निम्न वायुदाब की पेटी निर्मित होती है। थैंक यू सो मच एक्चुअली मेरी सुनने के लिए और आई वेरी थैंक्सफुल टू यू। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज एक्चुअली आप लोग इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राइट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। फिर एक बार और मैं हमारी मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ में, तो जुड़े रहिएगा। टेक केयर एंड ऑल बेस्ट, बाय बाय।